क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि भारत में सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर का सफर इस तरह किया जा रहा है? ऐसी तस्वीरों को देखकर हम और आप विचलित हो उठते हैं, लेकिन लगता है सत्ता को ऐसी तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो इस तबके का ख्याल रख फैसले लिए जाते। ये तबका तो मजबूर है हजारों किलोमीटर चलने के लिए। इस नादान ने इस छोटी उम्र में इतनी जमीन नाप ली जितनी मठाधीशों ने आसमान से उड़कर ना नापी हो। कई राज्यों के सरहदों को इन कदमों ने नाप दिया है, बस अब उस अदद मंजिल के लिए जहां वो आराम से रह सके। देखिए मजदूरों की मजबूरी की इस वीडियो को। आगरा से सामने आई इस वीडियो को देखिए। देखिए कैसे सफर पर निकला ये मजबूर परिवार। पंजाब से झांसी जा रहा है वाया आगरा। मासूम के पैर थक गए तो माँ ने ब्रीफकेस पर सुला दिया और खींच रही है अपने परिवार की गाड़ी को। ये तस्वीर कैसे नहीं सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को दिखती है? क्यों नहीं सरकार सामने आती है, प्रशासन इन्हें रोके और इन्हें इनके घरों तक पहुंचाए? कब तक ये मजबूर मजदूर यूं ही सड़कों की खाक छानकर अपने घर तक जाते रहेंगे?